होगी, शत्रुओं की रानी को आग होगी। मिल गई दीदी, कुछ दे दो ना। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तू भीख मांगने आ गया, चल निकल यहाँ से। दीदी तुम तो वैसे नाराज हो ही, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने तो भीख ही मांगी है। देख भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, अब तू मुझे और परेशान मत कर, प्लीज तू यहाँ से चला जा। दीदी तुमने मुझे भाई कह दिया, दीदी मुझे बताओ क्या परेशानी है। अरे मैं तुझे अपनी क्या परेशानी बताऊँ, तू तो खुद भीख मांगता है, तो तू मेरी क्या परेशानी दूर करेगा। दीदी मैं भीख मांगता हूँ फिर कुछ रहता हूँ मैं। दीदी मैंने अपनी बहन मनाली में कुछ देखना चाहता हूँ। चल ठीक है छोटे, अगर तूने मुझे अपनी बहन मान लिया तो मैंने भी आज से तुझे अपना छोटा भाई मान लिया। मैं तुझे अपनी सारी कहानी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। भाई अपना 10 करोड़ रुपया मेरे घर से आ चुका है। और हाँ छोटे, शुक्ला जी से अभी तो बात हुई थी, 20 करोड़ रुपये होगी, उसका क्या हुआ। भाई वो 20 करोड़ रुपये मैंने गोदाम में पहुँचवा दिए, मुझे ये डर लग रहा है कहीं छापा ना लग जाए। छोटे तू टेंशन क्यों ले रहा है, आने वाले इलेक्शन में CM के पद पर मैं स्वयं लड़ूंगा और फिर अपना काला धन सारा सफ़ेद हो जाएगा। और हाँ छोटे, जो अपने पास लेडीज मैनेजर है उसके लिए तो कुछ पता नहीं है कि अपने पास कितना काला धन है। भैया उसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता, उसको तो कॉन्टेक्ट करना फिर अपने घर चली जाती है। अरे छोटे ये गेट के पास कौन खड़ा है। भैया ये तो भाई मैंने, ये लड़की है, इसने हमारी सारी बातें सुन ली। क्या छोटे, छोटे अगर इस लड़की ने हमारे काले धन के बारे में किसी को बता दिया फिर मैं CM नहीं बन पाऊंगा, इससे अच्छा यही रहेगा इस लड़की को खत्म कर दे। ठीक है भैया। पता नहीं कहाँ भाग गई, साथ घर ही गई होगी, सीधा घर ही जाता हूँ। ओए बुड्ढे तेरी बेटी कहाँ है। बाबूजी मेरी बेटी तो आपके ऑफिस में काम करने गई थी, आती होगी। बुड्ढे ज्यादा साड़ा मत बन, मुझे पता है तेरी बेटी घर में, तुम उससे छुपा रहा है। नहीं बाबूजी मैं सच कह रहा हूँ, आप घर में देख सकते हो। मैं भी देखता हूँ तू कहाँ तक बचेगी मुझसे। पापा, पापा, ये क्या हुआ पापा तुम्हें? पापा। अरे बहन ये रोने का समय नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। धनराज का भाई तुम्हें ढूंढते हुए आया था, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देगा। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगा। भाई बस यही मेरी कहानी है, तू मुझे कहाँ तक खुश रख सकता है और कहाँ तक खुश देख सकता है। उस धनराज के भाई ने मेरे पिताजी को मार दिया और इसी गुस्से की वजह से मैंने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मुझे माफ कर देना भाई। दीदी चुप आओ, तुम्हारा ना से नहीं हो, अब तुम्हारा भाई आपके साथ है। दीदी अब तुम हंसा दो। दीदी तुम धनराज को बर्बाद कर देना। भैया धनराज के पास पैसा और पावर दोनों है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम उसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं। दीदी हम धनराज को बर्बाद कर देंगे। लेकिन मेरे भाई हम धनराज को बर्बाद कैसे करेंगे। दीदी तुम ऐसा खुश करो, दीदी धनराज का सब कुछ खत्म हो जाए। सुन मेरे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है, धनराज का हम सब कुछ कैसे खत्म कर सकते हैं, वो बहुत पावरफुल आदमी है और उसके पास इतना काला धन है कि उस काले धन की वजह से वो इतना घमंड करता है कि वो कुछ भी कर सकता है। दीदी धनराज का काला धन मिटा ही देंगे। लेकिन छोटे हम धनराज का काला धन मिटाएंगे कैसे। दीदी तुम आई थी ऑफिसर बनना। सुन मेरे भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए हमें बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है, कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं भीख मांग का पैसा लाऊंगा।
मेरा प्यारा भाई, मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे भगवान इतना अच्छा भाई देगा। मेरे तो नसीब ही खुल गए तुझे पाकर। दीदी रुको, लॉटरी का टिपन रह गया। अरे मेरे नन्हे मुन्ने भैया, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, ला दे। तेरे जैसा भाई हर किसी बहन को मिले। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे यार अजय, यह न्यू एडमिशन कौन है? पता नहीं यार ये कौन है, इससे चल छुट्टी के बाद में बात करते हैं। यार इससे बात क्या करनी, इसके साथ थोड़ी बहुत रैगिंग करनी जिसमें कि इससे मजा भी आएगा। हाँ यार तूने ठीक कहा, हमने किसी के साथ रैगिंग नहीं की है बहुत दिनों से। यार अभी तक तो आई नहीं, पता नहीं क्या कर रही है। ओ लड़की चले दरा। चल इस किताब को उठा। ओए अभी कहाँ जा रही है, इन जूतियों को साफ कर। तुम अपने आप को समझते क्या हो, अभी मेरे भाई को पता चल गया ना तो तुम लोगों का क्या होगा, पता भी है तुम्हें? हर लड़की एक जैसी नहीं होती, तुम जो रैगिंग हर लड़की के साथ करते हो ना मेरे साथ नहीं चलेगी, आई कैन अंडरस्टैंड। यार ये इतनी तेज है तो इसका भाई कितनी तेज होगा। चलो छोड़ो यार, होगा इसका भाई तेज, चलो चलते हैं। दीदी उदास क्यों, कल क्यों नहीं? कुछ नहीं छोटे, बस मेरा मूड ऑफ था ऐसे ही। दीदी मुझे बताया तुम क्यों नहीं आ रही स्कूल, मैं जानना फीस को क्या होगा। दीदी तुम स्कूल जाओ, मैं कर दूंगा फीस जमा। छोटे फीस जमा करने की कोई बात नहीं है। फिर दीदी मुझे तो क्या बात है। नहीं मेरे भैया ऐसे कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ। बाबूजी कुछ पैसे दे दो। यार ये क्लास में क्यों नहीं गई है, यहाँ पर बैठी है। यार तुम्हें क्या पता, आज क्लास में प्रिंसिपल ने फीस जमा कराई है, इसकी फीस जमा नहीं होगी इसीलिए यहाँ बैठी है। यार ये अपने भाई या किसी घर वाले का इंतजार कर रही है फीस जमा करवाने के लिए, तभी ये क्लास में जाएगी। चल यार मालूम करते हैं क्या बात है। हेलो मैडम, किसका इंतजार कर रही हो, फीस के लिए पैसे नहीं है तो हम करते हैं आपकी फीस जमा। तुम्हें क्या मतलब इससे, मैं किसी का भी इंतजार करूं और फीस जमा करने के लिए मेरा भाई जिंदा है, समझे तुम लोग? अपने काम से काम रखो तुम। हेलो मैडम, नहीं आएगा तुम्हारा वाईफाई, हमसे फ्रेंडशिप कर लो, हम आपकी फीस जमा कर देंगे। ओए मेरी बहन को क्या कह रहा है, चल हट पीछे, तू किससे अपनी बहन कह रहा है? ओए तेरे साथ बोल दिया ना तब पता चलेगा मैं किसे बहन कह रहा हूँ। नहीं भैया तुम ये सब मत करो। अरे ये है इसका भिखारी भाई, मैंने तो कोई बड़ा आदमी समझा। देखो इन बहन भाइयों को, पता नहीं कितने दिनों से नहाए नहीं है, चला हट पीछे, चलो वे। दीदी तुम तो अपनी पढ़ाई करो, ये लोग ऐसे करते हैं। लो दीदी पैसे, अपनी फीस जमा कर देना। मेरे भाई तू मेरा कितना ख्याल रखता है, तो यही रुक मैं अपनी फीस जमा करके बस अभी आई।
अरे यार आज ये भिखारी इतने अच्छे गेटअप में कैसे खड़ा है, वो भी इतने अच्छे कपड़े पहनकर। ओए भिखारी आज इतना सज धज के कैसे खड़ा है, वो भी ये माला लेके हाथ में। ओए तू किसको भिखारी कह रहा है? क्या मैं जोक सुना रहा है? तू भिखारी नहीं है तो क्या है? अरे यार ये तो इसकी दीदी है, ये ऑफिसर बनी गई। ओए तुम कितनी भिखारी कह रहा है, देख मेरी दीदी ऑफिसर है। और हाँ मैं तुम्हारी याददाश्त को बता दूं कि तुम उस दिन मुझसे कह रहे थे कि मैडम हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हारी फीस जमा कर देंगे, याद आया? अब तुम तीनों बोलो कि मैं तुम्हारी कितनी फीस जमा करूं, और जैसा मैं बोलूं वैसा करोगे तुम तीनों। सॉरी मैडम, हमसे गलती हो गई, किसी के हौसले और जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैडम हम आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। ठीक है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, किसी के हौसले के साथ मत खेलना, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से कुछ लोगों के हौसले टूटकर बिखर जाते हैं। ओके मैडम। सुन छोटे, अब तू घर जा, जब तक मैं धनराज के बच्चे को अरेस्ट कर आती हूँ, उससे अपना बदला लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है, आराम से जाओ। ऑफिसर तलाशी लो इसके ऑफिस की, और जो कुछ भी निकले बाहर निकालो। हेलो मैडम, हमारे ऑफिस की क्यों तलाशी ले रही हो, किसके कहने पर? धनराज यही चुप हो जा, क्योंकि मुझे सब पता है तेरे बारे में कि तू क्या काम करता है और तेरे कितने काले धंधे हैं और तेरे यहाँ कितना काला धन है, इसलिए चुपचाप से मुझे तेरे घर की तलाशी लेने दे और बकवास बंद कर, समझा तू? सुनो मैडम, इस घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खाली हाथ जाओगे। ये तो टाइम ही बताएगा धनराज कि मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगी या तुझे साथ लेकर जाऊंगी। ऑफिसर बैग की चेन खोलो। धनराज मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। ऑफिसर अरेस्ट हिम।